शिवपुरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है जो उत्तर भाग की तरफ बसा हुआ है, जिसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रैंड, यह शहर 10,298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले को प्राचीन काल में सिपरी के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड, यहाँ पर अति घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय, मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है, इसलिए शिवपुरी को मिनी शिमला भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र पाया जाता है। यह वन क्षेत्र 3433 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन वनों को कटीले वन भी कहते हैं। फ्रेंड, अगर बात करें शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17 लाख के लगभग है, और महिला पुरुष अनुपात यहां पर 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, इस जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यहां सभी धर्म व जाति के लोग प्रेम व्यवहार एवं आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। फ्रेंड, इस शहर को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव भी प्राप्त है। वैसे तो ये शहर ग्वालियर मंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय शिवपुरी में है, और यह शहर समुद्र तल से 468 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस जिले का प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, तहसील के साथ साथ ब्लॉक में भी किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी होता है। फ्रेंड, यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है। इस जिले में लगभग 83.38% लोग खेती करते हैं, इसलिए खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। दोस्तों, ये जिला एक बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी है। इस शहर की साक्षरता 63.73% है। फ्रेंड, इस जिले में प्रमुख रूप से 4 नदियाँ होकर गुजरती है, पार्वती नदी, सिंध नदी, कूनो नदी और बेतवा नदी। दोस्तों, अगर बात करें इसके पड़ोसी जिलों की तो शिवपुरी के उत्तर में मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिला है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के जिले हैं, पश्चिम में राजस्थान के जिले हैं, दक्षिण में गुना और अशोकनगर जिले के साथ सीमा लगती है। फ्रेंड, इसी शहर में अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि स्थल स्थित है, और यह शहर 9 तहसीलों में बटा हुआ है, जैसे शिवपुरी, पोहरी, बैराड, कोलारस, बदरवास, खनियाधाना, करेरा, नरवर है, और यह शहर भोपाल से 312 किलोमीटर उत्तर की तरफ प्रादेशिक राजमार्ग 19 पर है और देश की राजधानी दिल्ली से 466 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के खूबसूरत दर्शनीय व पर्यटन स्थलों के बारे में, जो लोगों को काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे माधव नेशनल पार्क। माधव राष्ट्रीय उद्यान पूरे मध्य प्रदेश का मुख्य आकर्षण स्थल है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर आपको बहुत सारे पशु पक्षी, हिरण, मगरमच्छ, बहुत सारे तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। आप इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी का मजा ले सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जंगली जानवरों के अलावा ऐतिहासिक जॉर्ज कैसल देखने के लिए मिलता है। यह नेशनल पार्क 1958 में स्थापित किया गया था। इस नेशनल पार्क की स्थापना माधवराव सिंधिया के द्वारा की गई थी। यह उद्यान बहुत सुंदर है। पटेल पार्क शिवपुरी। पटेल पार्क शिवपुरी का एक प्रमुख पार्क है। यह पार्क बहुत सुंदर है। इस पार्क में आपको तरह तरह की कलाकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले आदि है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, राम सीता जी की मूर्ति और विष्णु भगवान जी की बैकुंठ में विराजमान प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको बतख, खरगोश और बर्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह शिवपुरी में घूमने की सबसे अच्छी जगह है नरवर का किला शिवपुरी। नरवर का किला शिवपुरी का एक मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह किला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह किला शिवपुरी से 50 किलोमीटर दूर नरवर नाम के स्थान पर बना हुआ है। यहाँ किला एक ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है। नरवर किले के अंदर आपको बहुत सारे महल, मंदिर, बावड़ी और मस्जिदें मिल जाती है। यहाँ पर राम जानकी मंदिर, मीना बाजार के अलावा आपको ढेर सारी बावड़ी कुआं भी देखने के लिए मिल जाती है। इस किले से नरवर शहर का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इनके अलावा भी जैसे सिंधिया छतरी, शहीद तात्या टोपे स्मारक, माधव विलास पैलेस, भदैया कुंड शिवपुरी, शिवपुरी संग्रहालय आदि कई सारे खूबसूरत दर्शनीय टूरिस्ट पैलेस मौजूद है, जहां आप घूम सकते हैं। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।